देश में जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ ही किसानों पर खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। आबादी के संपूर्ण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की है और वो इसके लिए किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन के लिए तैयार करती है। किसान को उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उपज की गुणवत्ता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। इन सब के लिए किसानों को यंत्रीकरण की ओर बढ़ना होगा, लेकिन बरसात की बेरुखी और बदलते मौसम के चलते किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आज किसान के पास न तो पर्याप्त पैसा है जिससे वो आधुनिक उपकरण खरीद सके और ना ही पर्याप्त साधन जिससे फसलों का रखरखाव कर सके। उन्नत कृषि के लिए आवश्यक है कृषि का यंत्रीकरण। उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है कृषि उपकरण। फसल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भी चाहिए यंत्र। रोटावेटर, ट्रैक्टर, मल्चर मशीन, हार्वेस्टर जैसे उपकरण हैं आज की जरूरत। लेकिन किसान की पहुंच से बाहर हैं ये यंत्र। हर किसान नहीं खरीद सकता ये सभी उपकरण। क्या कोई बैंक दे सकता है इतना ऋण? क्या है आखिर समाधान? किसानों की इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान निकाला है EM3 अग्री सर्विसेज के फाउंडर रोहिताश मल ने, जिन्होंने राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कस्टम हायरिंग स्कीम को राजस्थान के प्रत्येक किसान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा के कैथून में समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। कस्टम हायरिंग अर्थात किसान को जैसे जैसे जरूरत हो वैसे वो किसी भी उपकरण को समाधान केंद्र से किराए पर ले सकता है और अपना कार्य पूरा होने के बाद उस उपकरण को जमा करवा कर दूसरा उपकरण भी ले सकता है। उन्नत किसान और उन्नत खेती की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है कृषि उपकरण। एक किसान को आगे बढ़ने के लिए, अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु एक किसान वो सारे उपकरण नहीं खरीद सकता। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है EM3 एग्री सर्विसेज ने और उनके फाउंडर मिस्टर रोहिताश मल आज हमारे साथ हैं। उन्होंने एक समाधान निकाला है कि क्यों ना हम किसानों को वो उपकरण किराए पर मुहैया करवाएं। कस्टम हायरिंग एक जो योजना राजस्थान सरकार की तरफ से बनाई गई है उसमें आप एसोसिएट्स हैं। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार उनके दिमाग में आइडिया आया और क्या उनका उद्देश्य है राजस्थान के किसानों के लिए। सर, सबसे पहले राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जयपुर में ये ग्राम की शुरुआत हुई थी उस समय कस्टम हायरिंग का एक टारगेट लेकर चले थे, एक लक्ष्य लेकर चले थे राजस्थान गवर्नमेंट और आप लोग, उस लक्ष्य को लगभग आपने पूरा कर लिया या उससे भी ज़्यादा सेंटर्स आपने कर लिए? अभी तो रास्ते में। अभी रास्ते में, पर ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? देखिए, मशीनीकरण एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है फार्मर के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उसके खर्चे कम करने के लिए। और किसान क्योंकि हमारे देश में छोटे स्तर पर काम करते हैं, उनके पास वो आर्थिक क्षमता नहीं होती मशीनें खरीदने की, तो मशीनीकरण उनको पहुंचाने के लिए आवश्यक ये नहीं है कि मशीनें बेची जाएं, ये ज़रूरी है कि मशीनें उन तक पहुंचाई जाएं। तो आइडिया तो यहाँ से आया कि मशीनीकरण किया जाए, मशीन ना बेची जाए, और उसके लिए ज़रूरी है, जैसे आप, ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्सी के आप गाड़ी खरीदें, अगर आपको कहीं जाना है तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं और उतने ही किलोमीटर का खर्चा उठा सकते हैं। वैसे ही 4-5-10 एकड़ के फार्म के लिए आपको मशीनें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको मशीनीकरण की है तो आप मशीन बुलवाइए, काम करवाइए और उतने एकड़ के हिसाब से पैसे दे दीजिए। दूसरी चीज़ सर ये कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, किस किस इक्विपमेंट के लिए, किस किस एरिया में किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ये सब आपने सर्वे करके उसके बाद सेंटर्स प्रारंभ किए। कस्टम हायरिंग से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपने लिखा संपूर्ण खेती के लिए समाधान, वो किस तरह से काम करता है? देखिए,
पहला सवाल आपके दो सवाल हैं सर। पहला सवाल है कि मशीनीकरण क्या है। मशीनीकरण डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम करवाना है, ज़मीन कैसी है, फसल कौन सी है, मौसम कौन सा है, आपकी कटाई का टाइम है या बिजाई का टाइम है, ये सब देखते हुए आपको तय करना पड़ता है कि आपको क्या इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर के साथ जो चलते हैं तो उनसे इस्तेमाल होंगे। तो आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने लिखा संपूर्ण खेती का समझ। संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब है कि ज़मीन की बिजाई से लेकर, ज़मीन की तैयारी से लेकर और आखिर तक हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक, सारे जो ऑपरेशंस हैं सबका आपके पास समाधान हो। जयपुर ग्राम में और उदयपुर ग्राम के बीच लगभग एक साल पूरा हो चुका है, कैसा रेस्पॉन्स रहा फ्रेंचाइजीज की तरफ से और किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से तो जिसको कहते हैं ना फुल, आप किसी से पूछिए कि भाई सेवाएं लोगे या मशीन लोगे तो साधारण साफ सा जवाब मिलता है, सेवाएं, मशीन ना खरीदनी पड़े। तो उसमें तो मतलब पूछने की भी बात नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि उसका खर्चा ना लगे लाखों। अब एक ट्रैक्टर और दो मशीनें लेने के लिए 10-12 लाख रुपए लग जाते हैं, कौन नहीं चाहेगा, तो उस पर तो वो कोई सवाल ही नहीं है। अब रहा किस्सा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उनको समझाना कि इसमें भी एक रोज़गार है, और क्यों मानेंगे हमारी बात जब तक हम कर नहीं दिखाएंगे। तो जैसा आज आपने देखा पहला सेंटर कैथून में, दो तीन और सेंटर लग रहे हैं, और देखते ही देखते, और हमने मध्य प्रदेश में 22 जगह लगाए हुए हैं, तो लोगों को हम वहाँ ले गए, दिखाया, तो अब लोग सामने आके कह रहे हैं हाँ बताइए कैसे करना है। तो कोई भी गाड़ी स्पीड पकड़ने के लिए कुछ समय लगाती है, तो अब वो रफ्तार पकड़, एक साल जो लगा वो रफ्तार पकड़ने में लगा। ये समाधान केंद्र असल में किसानों को किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का काम करेगा। समाधान केंद्र से कोई भी किसान अपनी जरूरत के मुताबिक कृषि उपकरण किराए पर ले सकता है। समाधान से किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर इत्यादि मशीनें किराए पर ले जा सकता है। अर्थात ना तो किसान को अब महंगे उपकरण खरीदने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता है और ना ही फाइनेंस कंपनी के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत। सब काम समाधान केंद्र पर ही हो जाएंगे। देखिए वेस्टर्न राजस्थान हो चाहे संपूर्ण राजस्थान, मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा रे माते ही बात कही है कि छोटा छोटा रे किसान रे बात है, न तो उनके पास ट्रैक्टर हो, न उनके पास थ्रेसिंग मशीन हो, न कोई उनके पास दूसरों साधन हो है। तो और प्रत्येक ब्लॉक रे माते एक किराए की दुकान खुल जाओ, जो कंपनियां खोल दी, टापे वाला खोल दी और खोल दी, अब जी का जो जिसकी चट जाए 200 रुपये टके यार किराए पर ले जाओ, बाहर पाछ ले आओ, क्योंकि अब 2 बीघा 4 बीघा वालों बाबड़ो ट्रैक्टर क्या लाओगे, पोसाओ को नहीं नहीं पोसाओ ना। तो कस्टमर हाई सेंटर को जो सपनों में देखे ना, मैं पूरा राजस्थान में माता प्रत्येक तहसील लेवल पर ही ना करूंगा, वहाँ का लोगों को रोजगार मिल जाए, वहाँ का युवा साथी। समाधान केंद्र को पूरे राजस्थान में विस्तारित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए हाड़ौती मेवाड़ क्षेत्र हो या पश्चिमी राजस्थान, हर तरफ इस तरह के समाधान केंद्र खोले जाएंगे। रोहिताश मल के अनुसार समाधान अभी तक 2.5 वर्ष की शैशव अवस्था में है, परंतु ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट में इनकी स्टॉल पर लोगों का रिस्पांस देखकर पूरी टीम उत्साहित है। उन्हें भरोसा है कि योजना आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। राजस्थान के उन्नत किसान को खुशहाल बनाने में समाधान भी अपनी भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।